राकेश पांडे, आपको हिंदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पथिक जो कविता है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। इसके दो गद्य में आपको उसकी व्याख्या समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आगे से मैं ये तीसरा गद्य पढ़ा रहा हूँ। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय धन गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो है जैसे अनुराग भरी कल्याणी। भावार्थ है प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित कविता पथिक से ली गई है। इन कविताओं में कवि ने पथिक के प्राकृतिक प्रेम के बारे में बताते हुए पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर बसने को इच्छुक व उत्सुक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पथिक सूर्य उदय का अद्भुत वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूरज का बिंब अधूरा आधा दिखाई दे रहा है। आगे कवि के अनुसार पथिक को ऐसा आभास हो रहा है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य पेश करता है। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। आगे कवि कहते हैं कि समुद्र भयुक्त होकर पूरी दृढ़ता से तथा गंभीर भाव लिए गरज रहा है। जब लहरें एक दूसरे पर आ रही हों तो वह दृश्य सचमुच अत्यधिक सुंदर लग रहा है। तत्पश्चात पथिक अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या इससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है, अर्थात ऐसा सौंदर्य तुम्हें कहीं और मिल सकता है क्या। जब गंभीर तब अर्ध निशा में जब को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सम्मित वंदन जगत का स्वामी मधुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विभोग होकर नम्य चंद विहंस देता है, वृक्ष विदित पत्ते पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानर महक उठते हैं। इसका जो भावार्थ है मैं बता रहा हूँ। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित कविता पथिक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि त्रिपाठी जी ने पथिक के प्राकृतिक प्रेम के बारे में बताते हुए पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने को इच्छुक व उत्सुक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पथिक के अनुसार जब आधी रात में गहरा अंधेरा संपूर्ण जगत को ढक लेता है तथा अंतरिक्ष या आसमान की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारों का अस्तित्व आ जाने से वे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर का धीमी गति से
आगमन होता है और वह समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने में मग्न हो जाता है। आगे पथिक कहते हैं कि संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर के मधुर गीत पर मुग्ध होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है। पथिक प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कहता है कि वृक्ष विविध पत्तों व फूलों से अपने तन को सजा लेते हैं, पक्षियों से भी खुशी संभाली नहीं जाती और वे सुंदर प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख रूपी आनंद के साथ सांस लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्मा प्रलय होता है, नया नींद झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नव किरण जलत पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज परम सुख अतिशय सुंदर है। इसके जो भावार्थ हैं, इस काव्य के जो भावार्थ हैं उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है, कविता पथिक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि पथिक के प्राकृतिक प्रेम के बारे में बताते हैं। पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने को इच्छुक व उत्सुक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पथिक कविता के सौंदर्य से प्रभावित है। आगे पथिक कहता है कि प्रकृति की सौंदर्य में बढ़ोतरी करने के लिए वन उपवन पहाड़ समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं तो मैं आत्मिक रूप से भावुक हो जाता हूँ और मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तत्पश्चात पथिक अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कहता है कि समुद्र की लहरों तटों तिनकों पेड़ों पर्वतों आकाश किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली मधुर कहानी को पढ़ो। आगे पथिक कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की यह अबंडर रहित मधुर व उज्ज्वल प्रेम कहानी मनोहर व प्रवित है। तत्पश्चात वह कहता है कि मेरी भी चाहत है कि मैं इस प्रेम कहानी का अक्षर बन के विश्व की वाणी बन जाऊं। सचमुच यह प्राकृतिक सौंदर्य स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित और सदा शांति व सुख प्रदान करने वाली है। पथिक आनंदित होकर कहता है कि यह प्रकृति रूपी प्रेम का राज बेहद सुंदर है। बच्चों, मैं राकेश पांडे आपको राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित और रचित जो कविता है पथिक, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है, उसके भावार्थ को समझा दिया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसके जो व्याख्या हैं, भावार्थ हैं, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करिए और कोई समस्या है तो मेरे से संपर्क करिए।